जय हिंद साथियों, आज राज्यसभा में जो दो किसान विरोधी विधेयक पास करे गए उन्हें ध्वनि मत से पास किया गया। इसका क्या मतलब होता है, डिवीजन ऑफ वोट्स का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ वोट्स अगर होता तो लोग वोट करते कंप्यूटर के तौर पे, और जो वोट वो डालते वो पूरा का पूरा एक स्क्रीन पे आ जाता जिसमें पता चलता कि कितने लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया, कितनों ने इसके विरुद्ध किया। जानते इससे क्या होता, बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है एनडीए में, मगर वे नहीं चाहते कि लोगों को ऐसा लगे कि वे किसान विरोधी हैं। जैसे जनता दल यूनाइटेड, अगर ये बात खुल के आ जाती तो क्या होता, या हो सकता है कि सरकार को इस बात का डर भी रहा हो कि इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद वोट ना डाले इस विधेयक के फेवर में। अब आप समझे ये पूरी कहानी क्या है। तो लोकतंत्र की हत्या आज संसद में की गई, ध्वनि मत से पारित ये विधेयक जिनका इतना विरोध हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुना जाता है, सत्ता में काबिज होता है, वो सबको साथ लेकर चले तो ही लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र है ये, तानाशाही नहीं है। इस चीज को आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं इस विधेयक के बारे में, उनके बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है, मगर आज समय आ गया है कि ये भाजपा जो किसान विरोधी है, ये शायद भूल गए हैं किसान वो है जो बोता है तो वो काटना भी जानता है, और अब जिनकी जड़ें उखड़ेंगी वो है भारतीय जनता पार्टी। और हम सब किसानों का साथ देंगे, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही अन्नदाता है। आइए मिलकर उनका समर्थन करें, उनका साथ दें और इन सारे कानूनों का विरोध करें। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।